अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल दिन दहाड़े गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी पलवल में। हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव दराना के सरपंच की कार पर गोलियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, बंदूक के बट से गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। गनीमत यह रही कि हमलावरों के आने से पहले सरपंच गाड़ी से उतरकर जिम के अंदर प्रवेश कर चुके थे। गोलीबारी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव डराना निवासी सरपंच अपने घर से हसनपुर जिम करने के लिए आया था, तभी उसकी कार पर गोलियां बरसाई गई। कार के शीशे तक तोड़ दिए गए। पीड़ित सरपंच द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं रॉकी सरपंच डराना। रॉकी जी, क्या वारदात हुई आपके साथ? सुबह हम एक्सरसाइज करने के लिए आए थे, मैं और हरिओम। तो सुबह हम जब जिम पे वहाँ पहुँचे, बस मात्र गाड़ी खड़ी ही करी थी, बस दो सेकंड हमें गाड़ी से उतरे हुए हुआ था। ऐसे ही दो सेकंड बाद ही हमारी गाड़ी पे जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। उनको नहीं पता था कि हम गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, और गाड़ी में गोली चलाने के बाद उन्होंने बुट से शीशे तोड़े। उसमें देखा कि ये मरा या जिंदा है, उसमें हम मिले नहीं हैं। वहाँ से फिर वो एक दो सेकंड बाद वहाँ से वो निकल गए। हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है कि हसनपुर में जिम के पास गोली चली है। जो रोकी सरपंच है ढराना का, तो जैसे ही वो जिम पहुँचने के बाद वो गाड़ी से उतर के अंदर गया, तो उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। तो इस संबंध में हमने दरखास्त ले ली है और नियमानुसार कार्रवाई